हेलो गाइस, अगर आप अपने फ़ोटोज़ को एडिट करना पसंद करते हैं एंड अभी तक आप अपने सारे फ़ोटोज़ को मोबाइल पे या फिर पीसी पे सिर्फ लाइटरूम या दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे एडिट कर रहे हैं, देन आपको उधर एक सेपरेट विनेट टूल का ऑप्शन मिल जाता है। एंड आप सभी को पता ही है, हम सब का विनेट टूल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जो हम अपने फ़ोटोज़ को एनहेंस करने के लिए बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं फ़ोटोशॉप में एंड आप वो सेम विनेट इफेक्ट अपने फ़ोटोज़ में यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ़ोटोशॉप में आपको अलग से कोई विनेट टूल का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो टुडे आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द वेज इन विच यू कैन ऐड द विनेट इफेक्ट इन योर फोटोज़ इन साइड फोटोशॉप। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने इस पिक को एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है एंड इट्स अ वेरी नाइस गोल्डन आवर पिक। सो हम देखेंगे कि पहला कौन सा वो है जिसे हम विनेट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो हम इधर जाएंगे एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि इस जगह पे यू हैव ब्लैक सिलेक्टेड एज द फोरग्राउंड। एंड सो हम इधर पे जाके हम लोग जाएंगे ग्रेडियंट पे एंड देन वी विल जस्ट सिलेक्ट द रेडियल एंड देन वी विल रिवर्स इट एंड हम स्केल को अप कर देंगे टू अबाउट मे बी 250 या ओके, शायद थोड़ा सा स्केल और करना। या सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस, इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस टू ऐड द विनेट इफेक्ट क्वाइट इजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम और विदाउट एनी हैसल। ओके, सो अब हम जाएंगे कि नेक्स्ट वे जिससे हम विनेट इफेक्ट डाल सकते हैं फोटो में। सो we will just go here and with the ellipse tool selected now we will go to fill and use black। अभी देख सकते हैं कि ये जो हमने जो ellipse draw किया है उसके अंदर black हो गया, लेकिन we have to subtract it। so हम इधर जाएंगे and subtract front shape। See, you can see very harsh black in the outer edges, so we have to just feather it. So with this selected, we have to go to the properties panel and idhar pe hum jayenge just masking pe. So mask pe jaise aap jaoge idhar pe, we will keep the density as it is and hum feather ko bada denge to maybe around maybe around 200। या सो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा लुक आ गया है ऑलरेडी। अभी हम क्या कर सकते हैं कि वी विल हिट कंट्रोल टी इफ यू आर इन विंडोज और कमांड टी इफ यू आर इन मैक एंड देन वी विल जस्ट अपस्केल इट अ लिटिल बिट। And maybe with shift and maybe with holding the shift we will just adjust it a little bit यहाँ पे। एक चीज़ आपको नोटिस करना है एंड ख्याल रखना है कि अगर आप फोटोशॉप का 2019 वर्शन से पहले का कोई वर्शन यूज़ कर रहे हैं देन वहाँ पे अगर डायरेक्टली इसको मूव करेंगे तो वो रेशियो को सेम रख के अप स्केल या फिर डाउन स्केल नहीं होगा। तो रेशियो को सेम रख के अगर आपको अप स्केल या डाउन स्केल करना है तो यू हैव टू होल्ड द शिफ्ट एंड देन यू हैव टू अप स्केल और डाउन स्केल। लेकिन फोटोशॉप 2019 के वर्शन से उसको डिफ़ॉल्ट बना दिया गया है विद
द रेशियो रिमेन्स द सेम इफ़ यू जस्ट अपस्केल और डाउनस्केल. सो ये डिफ़ॉल्ट हो गया है. एंड अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे देन आपका जो रेशियो है वो चेंज होगा. सो ये आपको ख्याल रखना है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू ऑपरेट. Yeah, so it looks quite good. Okay, so अब हम जाएंगे अपने next way में, जो कि है हम एक solid layer create करेंगे with black selected and इसको opacity को around 75% कर देंगे and then we will select the brush tool and go to mask and then with opacity around 50% and flow around 35% we'll just paint. अब हम opacity को और थोड़ा decrease करेंगे. You can see the difference, right? See, you can see the significant difference. तो अब हम जाने वाले हैं अपने next way में, जो कि एक बहुत ही creative, effective and एक बहुत ही dramatic look देने वाला है आपके photos को. सो हम देखेंगे कि क्या करना है. पहले मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ एंड देन नाउ वी विल गो टू कर्व्स एंड हम मिडिल पे एक पॉइंट बना देंगे एंड इसको ड्रैग डाउन कर देंगे इस तरह. आप देख सकते हैं कि बहुत ही सैचुरेशन अप हो गया है एंड बहुत सारे शेडोज़ भी आ गए हैं फ़ोटो में. एक बहुत ही सिनेमेटिक लुक आ रहा है लेकिन वो अभी भी परफेक्ट लुक नहीं आया जिसको हम विनेट कह सकते हैं. सो हमें क्या करना है, बस विद दिस सिलेक्टेड with and using the brush tool हम थोड़ा brush के size को adjust कर लेते हैं and then opacity को हम around 15-16% रख देंगे and flow को 35% के around रखेंगे and then middle portion में हम brush को use करेंगे like this. आप already difference देख सकते हैं कि already आपका जो pic है वो कितना ज़्यादा dramatic लगने लगा है and बहुत ही एक cool लुकिंग एंड बहुत ही एक नाइस लुकिंग वाइब दे रहा है इस पूरे फोटो को. सो ये थे विनेट इफेक्ट ऐड करने के कुछ इजी वेज जिससे आप अपने फ़ोटोज़ को एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं एंड अपने फ़ोटोज़ को एनहेंस कर सकते हैं. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड यू लाइक द वीडियो. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Stay tuned for our next upcoming videos. Bye bye.